रेवाड़ी जिले का एक ऐसा गांव जहां बह रही है विकास की गंगा। शहर से सटे होने के बावजूद भी लंबे समय से विकास के लिए तरस रहा था गांव रामपुरा। नव निर्वाचित सरपंच के प्रयासों से गांव रामपुरा विकास की ओर अग्रसर। कहते हैं यदि कुछ करने का जज्बा हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा सरपंच की जिसने सरपंच पद संभालते ही गांव की सूरत ही बदल कर रख दी। रेवाड़ी जिले का एक ऐसा गांव जिसे कैबिनेट मंत्री ने गोद लिया हुआ है, वो केंद्रीय मंत्री का खुद का गांव होने के बावजूद भी ये गांव वर्षों से विकास कार्यों को लेकर टकटकी लगाए हुए था, जो कि कभी हो ही ना सका। लेकिन 6 माह पूर्व ही सरपंच पद का चुनाव जीत कर आया एक ऐसा युवा नेता सरपंच जिसने गांव की सूरत बदल दी। फिर बात चाहे गांव में बने शमशान घाट की हो, कच्ची गलियों की हो, साफ सफाई की हो, सुरक्षा व्यवस्था की हो, या फिर सालों पुराने साफ सफाई को तरस रहे जोहड़ों की हो, सभी समस्याओं को प्रमुखता से खत्म करने का बेड़ा उठाया। आपको बता दें कि यहां हम बात कर रहे हैं युवा सरपंच नरेश उर्फ नर्रू की, जिनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा ग्रांट मुहैया करवाए जाने के बाद से इन्होंने गांव रामपुरा में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। और क्या कहना है सरपंच नरेश उर्फ नर्रू का, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे गांव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा ग्रांट मुहैया कराई गई थी, उससे हमने गली पक्की करा दी है। अभी 8 गली हमने पक्की कराई है, शमशान घाट अंदर से पक्का करा दिया है, नया टीन सेट लगवाया है उसमें, उसकी 4 दीवारी जो टूटी थी वो रिपेयर करा दी है। साफ सफाई आप पूरे गांव में देख लो, साफ सफाई का काम पूरा जोर शोर से चलता है। अभी हम हाल ही में झोड़ की सफाई करा रहे हैं, जो हमारे गांव में गंदा पानी का झोड़ था उसको साफ करा रहे हैं, उसको साफ सुंदर बनाएंगे। पौंड स्कीम के तहत भी 2 झोड़ हमारे साफ होने हैं, उनका काम भी चालू करा। हाँ, दोनों झोड़ के अंदर पंप सेट लगा रखे, मोटर चालू है, आप देखोगे मौके पे बिल्कुल सफाई चालू करा रहे हैं। अभी हमने 25 CCTV कैमरे लगा दिए गांव में, धीरे धीरे जहाँ जिस गली में आवश्यकता ज़्यादा है पहले वहाँ लगा रहे हैं, CCTV कैमरे लगा रहे हैं, साफ सफाई कम्प्लीट हो रही है। सड़क की मेन रोड हमारे जो कतुपुर से रामपुरा की तरफ आता है, इसका भी टेंडर होने वाला है, जल्दी इसका टेंडर हो जाएगा। और ये रोड पूरी कंप्लीट चौड़ी 71 फुट चौड़ा रोड है, इसको साफ सुथरा इस रोड को बनाएंगे। ST चौपाल, BC चौपाल, आंगनवाड़ी, उनका हमने रिपेयर और साफ सफाई का काम करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है।